अगली चीज क्या है मेरे भाइयों मेरी बहने, वो ये है कि दुआ में कभी भी कोई गलत चीज नहीं मांगना चाहिए, कोई हराम चीज नहीं मांगना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दुआ बंदे की कबूल होती है सिवाय वो मालम यदू भी इस्मिन, सिवाय तब जब वो कोई गुनाह के लिए दुआ करे, और कति अति रहमिन या रिश्तेदारी को काटने की दुआ करे। जैसे लोग बोलते हैं ना अल्लाह ये रिश्तेदार को मुझसे दूरी कर दे, अभी नहीं चाहिए मुझे ऐसे। हाँ, और क्या होता है कि कभी कोई मामला हो गया, कोई अनबन हो गई, कोई ऊंच नीच हो गई, तो लोग बोलते हैं मुझे ये रिश्तेदार से अभी ताल्लुक ही नहीं रखना है, अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे, मेरा रिश्ता इसके साथ खत्म कर दे। तो लोग ये दुआ अक्सर करते हैं, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो बातें कही, मालम यदू भी इस्मिन, सिवाय ये कि वो कोई गुनाह के लिए दुआ करे या कोई रिश्तेदारी काटने के लिए दुआ करे। तो हम देखते हैं कि ये चीज मना की गई है कि रिश्तेदारी काटने की दुआ हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी हमने नहीं चुनी है, ये अल्लाह ताला ने चुना है, और अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। किसे एक भाई बनाना था अल्लाह जानता है, किसे रिश्तेदार बनाना अल्लाह जानता है, हम उसकी दुआ नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, कभी भी दुआ के अंदर ये कायदा मेंटेन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ज़ात आसमान और ज़मीन का बनाने वाला, हम उससे गुनाह के लिए मांगेंगे, अल्लाह मुझे गुनाह करना है, ये गुनाह का रास्ता मेरे लिए खोल दे, ये कभी ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए।